ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे कि राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। 23 सितंबर 2020 से लगभग 18 महीने 11 अप्रैल 2022 तक राहु मिथुन राशि से तो जो पीछे चलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। राहु हमेशा रेट्रोग्रेड उल्टी चाल तो यानी वक्री चलते हैं, तो यानी अगली राशि से तो पिछली राशि में। तो राहु का जो राशि परिवर्तन है तो अभी मिथुन राशि में चल रहा है और ये तो वक्री होकर तो आपके 23 सितंबर को आपके वृषभ राशि में संचार करेंगे लगभग 18 महीने के लिए। तो पहले कुछ चीज़ें आप तो राहु के बारे में समझ लें कि जनरल चीज़ें। राहु की जो दिशोग्रह की राशि है वह कन्या राशि है और मिथुन और वृष इसकी उच्च की राशि कहलाती है। तो मिथुन राशि में भी तो उच्च के फल देता है और वृषभ राशि में भी उच्च के फल देता है, लेकिन धनु और वृश्चिक राशि में हमेशा मतलब ये नीच के फल देता है। शुक्र बुध और शनि की राशियों में तो अधिकांश राहु के आपको शुभ फल मिलते हैं और सूर्य और मंगल की राशि में प्रायः तो अशुभ फल मिलते हैं। लग्न या राशि से अगर बात करें तो राहु 3, 6, 11 तो यानी तीसरे भाव को, छठे भाव को, तो 11वें भाव में तो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यानी 3, 6, 11 में राहु की स्थिति बहुत शुभ हो जाती है। ये तथा 8वें और 12वें भाव में ये जो अशुभ फल देते हैं। राहु जहाँ पर आते हैं कि जिस राशि में बैठते हैं या जिस लग्न में होते हैं वहाँ से तो अपने हाउस से 5, 7, 9 को देखते हैं। तो इसकी 3 चरण दृष्टि होती है, तो यानी 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। तो उनकी दृष्टि हुई 5, 7, 9। राहु का जो स्वभाव है थोड़ा उसके बारे में भी आप जान लें कि ये थोड़ा चंचल स्वभाव है, अस्थिर। अस्थिर मतलब स्टेबिलिटी नहीं देता, चित्त को चंचल करता है, मन को भ्रमित करता है, उन्माद की अवस्था पैदा करता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, और तो आपका मन मस्तिष्क को तो उसमें स्टेबिलिटी में कमी करता है और तो मन को भ्रमित करता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी करता है, तो मेमोरी का भी लॉस करता है। और राहु जिस हाउस में बैठता है तो उसको तो उसमें तो उससे संबंधित तो उससे रिलेटेड वो चेंजेस जरूर करता है, तो ये बात बिल्कुल तय है। और राहु की अगर तो स्थिति आपकी कुंडली में मतलब शुभ है, दशांतर दशा उसकी ठीक है, आपके अनुकूल है, तो इसके गोचर के तो फल आपको अच्छे मिलते हैं। और अगर उसकी स्थिति अशुभ है कि दशांतर दशा तो आपके फेवर में नहीं है तो थोड़े उसके अशुभ फल में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। आइए जानते हैं तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए राहु का जो राशि भ्रमण है कैसा रहेगा। बात करें पहले हाउस की तो जो आपकी राशि और लगन के हिसाब से तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ से अष्टम है तो आपको चोट फेट दुर्घटना, कोई बड़ी बीमारी अचानक, चोट फेट और आपका एक्सीडेंट, कोई ऑपरेशन, चीड़ फाड़ ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइज, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और आपका मन मस्तिष्क आपके तो कंट्रोल में सेंटर में नहीं रहेगा, तो आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बढ़ेगी, मेमोरी का लॉस होएगा और आपको नींद में तो मतलब सोने में प्रॉब्लम होएगी, तो उन्माद जैसी अवस्था तो आपकी रहेगी, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति, भूलने की हैबिट भी बन जाएगी। बात करें तो धन स्थान की तो वहाँ तो अचानक मतलब धन की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा पति पत्नी में थोड़ा तनाव रहेगा और थोड़ा कुटुंब परिवार में भी आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी और परिवारजनों से थोड़ा नुकसान और तो आपस में मतभेद आपको क्रिएट हो सकते हैं और थोड़ी तो अचानक तो आपके धन का लॉस और आपका अनावश्यक खर्चा या कहीं पैसे का नुकसान आपका हो सकता है। बात करें आपके तीसरे भाव की तो यहाँ से तो राहु आपके मतलब छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति थोड़ी अनुकूल बनेगी, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और तो आप मतलब थोड़े अपने तो संघर्ष और मेहनत के बल पर आप खुद तो आप सक्सेस मिलेगा, तो उससे आप लाभ गेन करेंगे और साथ में तो आपके जो मित्र हैं, आपके मतलब जो भ्राता लोग हैं, ये छोटे भाई हैं, तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त तो होने की संभावना पूरी बनी रहेगी और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और मित्रों के थ्रू भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ रहेगी, तो इसमें थोड़े आपके भूमि जायदाद के कुछ लॉस और कोई मकान में फंसना अटकना या कोई वाद विवाद और या कोई आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उससे आपको नुकसान होना प्रॉपर्टी से संबंधित, तो यहाँ थोड़ा आप सोच समझ कर कार्य करें और कोई नई डील अगर करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें और जो पक्का विश्वास कर लें सामने वाली पार्टी के ऊपर कि तभी आगे बढ़े, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावनाएं अधिक बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं आपके
तो यहाँ पर संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष के हिसाब से आपका यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। संतान पक्ष को लेके भी थोड़ी मतलब चिंता टेंशन रहेगी और थोड़ी परेशानी रहेगी, और तो संतान का सक्सेस नहीं होना, ये नौकरी में तो कोई परेशानी आना, तो या उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत होना, तो या फेल होना, या अपने मन मुताबिक कोई एडमिशन नहीं मिलना, या उनकी विवाह शादी में कोई रुकावट, तो इससे आपको थोड़ी तो आप मतलब आपको थोड़ी चिंता रहेगी, और तो आपको संतुष्टि कम रहेगी, संतान की तरफ से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। तो भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि तो यहाँ पे तो आपको लाभ की स्थिति नहीं बनेगी, तो आपको थोड़ी मेहनत और संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बन जाएगी। तो लेकिन आपकी कार्य व्यवसाय में थोड़ा तो आपको लाभ मिल सकता है, और क्योंकि तो वहाँ से आपका जो राहु है वो आपका 10वें घर में है, तो थोड़ा कार्य व्यवसाय में कि थोड़ा संघर्ष के बावजूद आपको धन की प्राप्ति और आपको कार्य व्यवसाय में थोड़ी उन्नति आप कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर लाभ की स्थिति भी बनेगी, अचानक से आपको तो आपको लाभ प्राप्त होंगे और गुजारे लायक आपका कार्य चलता रहेगा। ऑल ओवर अगर हम देखें तो इसकी तुला राशि और लगन वालों के लिए तो यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत फेवर में नहीं है। चोट दुर्घटना का भय, पैसे का नुकसान, ये तो सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट होने की तो पूरी उम्मीद रहेगी। तो उपाय बताने से पहले तो इसका एक बहुत सटीक उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो हो रहे हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाएँ, तो इसको शेयर करें। बात करते हैं उपाय की, तो आपको क्या करना है। ऑल ओवर यहाँ पर क्या है कि आपकी शनि की भी दृष्टि आपकी पड़ रही है, तो आपकी चौथे भाव पे, और वहाँ से तो आपका जो राहु जो है तो उसकी दृष्टि भी नवी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आप थोड़ा तो संभल के रहेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आपको अचानक कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है, और चोट दुर्घटना आदि का भय रहेगा, मनावश्यक नुकसान, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक बहुत सटीक और सुंदर उपाय बता रहा हूँ। आप क्या करें, किसी तो अगर आप इसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले तो आप क्या करें कि आप किसी अच्छे ब्राह्मण से तो राहु के 18,000 तो या इसके तो मल्टीप्लाई कर लें तो इसके 72,000 इसके तो किसी ब्राह्मण से आप मतलब जप करा लें और इसका हवन कराएं, और प्रतिदिन आप राहु के बीज मंत्र की ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग से राहु नमः या रांग राहु नमः की तो एक मंत्र माला का जाप करें, और 7 तरह का अनाज आप अपने पास रख लें और उसको पिसवा कर और डेली सिर के ऊपर एक मुट्ठी आप 3 बार घुमाएं और उसको पक्षियों के लिए डालें, और भूरा कंबल दान करें, 5 शनिवार 5 सूखा नारियल लेके पानी के पास जाएं, बहते के पानी के पास तो या समुद्र के पास, तो सिर के ऊपर राहु मंत्र द्वारा 3-3 बार घुमाएं और उसको पानी में ड्रॉप करते रहें। कैसा आप हर 3 महीने में 5 शनिवार करेंगे तो राहु के तो आपको शुभ फल मिलेंगे, और जो इसके अशुभ प्रभाव हैं तो उससे आप बचे रहेंगे और राहु की स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। जय श्री हनुमान।